ये हमारे हाथ में लावा कंपनी का A3 मॉडल है। इसमें ये प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे कि जैसे ये सेलफोन आप ऑन करेंगे तैसे इसमें यानी कि कीबोर्ड की लाइट यानी कि जल रही है, सो कर रही है, यानी कि डिस्प्ले की लाइट नहीं जल रही है। जैसे ये मैंने ये सेलफोन ऑन कर दिया, ये देखो आप देख सकते हैं कीबोर्ड की लाइट जल रही है लेकिन डिस्प्ले की लाइट नहीं जल रही। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो कभी कभी ये होता है कि कभी कभी यानी कि डिस्प्ले आपका प्रॉब्लम नहीं रहता, तब भी ये यानी कि कहीं भी आप दुकान पर जाते दुकानदार यानी कि द्वारा डिस्प्ले चेंज कर दिया जाता है, आपसे मोटी रकम वसूल ली जाती है। तो आपको एक कमाल के सोल्यूशन बताऊँगा, आप अपना सेलफोन चाहे किस चाइना फोन की कोई भी A to Z चाइना मॉडल का कोई भी सेलफोन हो, तो कैसे आप घर बैठे कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करेंगे, आप मैंने ऑलरेडी मैंने सेट से पहले ओपन कर रखा था, लेकिन आपको मैं बताऊँ किसी भी A to Z किसी भी मॉडल का चाइना फोन का किसी कोई भी मॉडल हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपको यहाँ जो आपको यहाँ से लाइट दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ यहाँ पे जो ये डिस्प्ले पे लाइट दिखाई दे रही है, ये वाली जो कीबोर्ड पे लाइट दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दो जम्पर लगा लेना है, यहाँ से एक प्लस एक माइनस का। और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पर जो इन डिस्प्ले आप इसे फोल्ड करेंगे, डिस्प्ले की जहाँ लाइट है मेन सप्लाई वहाँ से आप दो जम्पर कर लेंगे, तो आपका यानी कि जो डिस्प्ले की लाइट है अपने आप जल जाएगी। आपको मैं लाइव डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी पहले कर रखा था लेकिन आपको बताने के लिए कि किस तरह की इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक जम्पर कर दे रहा हूँ, ये मैंने जम्पर कर दिया। अब चलो हम इसे सेलफोन को ओपन करते हैं, ये देखो सेलफोन ओपन हो गया, इस पर जो डिस्प्ले पे लाइट नहीं भी दिखाई दे रही थी, डिस्प्ले पे लाइट भी आ गई। इस तरह आप घर बैठे ही अपना यानी कि कोई भी चाइनीज़ फ़ोन हो, तो चाहे जो आइटल हो, नोकिया हो, सैमसंग हो, कोई भी चाइनीज़ फ़ोन हो, इस तरह आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो जरूर आपको यूजफुल लगी होगी, यूजफुल लगी होगी प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा।